राज्य मंत्री एवं नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाए गंभीर आरोप। जालम सिंह ने जनसुनवाई के दौरान कहा कि कमलनाथ पाकिस्तान की जय करवाने के प्रयास में है। कमलनाथ की पाकिस्तान माता को प्रसन्न करने की पूरी योजना है, साथ ही उनके दिमाग में ना तो राष्ट्रीयता है और ना ही लोकतंत्र का सम्मान। लोकतंत्र की छिछलेदारी में मध्य प्रदेश नंबर एक पर पहुंच गया है। साथ ही कहा कि कमलनाथ शराब और मुर्गे के दम पर करते हैं राजनीति। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 1984 के दंगों में भी मौजूद रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा विधायक ने। उनके दिमाग में न राष्ट्रीयता है न लोकतंत्र का सम्मान है। उनको इन सब चीज़ें कुछ दूर तक लेना देना नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। कमलनाथ जी चुनाव लड़ते हैं जो अपने क्षेत्र में, तो मेरे भाई साहब भी उनके खिलाफ चुनाव लड़े, तो मैंने उस समय देखा दारू पैसा और दबाव की राजनीति और लोकतंत्र की जितने प्रकार से छींचे कर सकते हैं कमलनाथ जी से अच्छा मध्य प्रदेश में कोई नहीं कर सकता। हमारी से जनता से पैसा कमा के जनता को लुटाने का काम करते हैं। दूसरा, मैं ऐसा मानता हूँ कि उन्होंने 1984 के दंगे में उन्होंने जो वहाँ कत्लेआम हुआ वहाँ वो मौजूद थे। नानाभटी आयोग ने उसमें एक रिमार्क दिया है और उन्होंने उस हत्यारों को रोकने का उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा उनको रिमार्क है। तो ऐसा व्यक्ति के दिमाग में कोई देशभक्ति और वंदे मातरम की तो वो कभी हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रत्येक पंचायत तक जा रही है और ऐसा कार्यक्रम बन रहा है कि शायद हर महीने और हर सप्ताह वंदे मातरम का गान होगा। और जो हमारे पूर्वज पुरखों ने वंदे मातरम गागा के अपने देश को आज़ाद कराया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और ऐसा मानता हूँ। वो तो ऐसा लगता है कि वो पाक गान कराना चाहते हैं। वो तो कुछ समाज व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये प्रतिबंध लगाया है। उनके कई वीडियो वायरल भी हुए, ऐसा मानता हूँ। पाक माता की जय गलवाने के लिए प्रयास में है कमलनाथ जी। कौन पाक भाई साहब? पाक माता पाकिस्तान पाकिस्तान माता है उनकी, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूरी योजना है। और ये वोट की राजनीति, ऐसा मानता हूँ। उनको ये नहीं लगता कि हमारे पुरखों पूर्वजों ने अपनी संपूर्ण तन मन धन और परिवार समाप्त कर दिए जब हमको आज़ादी मिली। इसकी सुरक्षा करने का दायित्व तो हम सबका है। और जो नेतृत्व करता होता है उसको बड़े सोच समझ के काम करने की और निर्णय लेने की आवश्यकता है। वो गंभीरता कमलनाथ जी में नहीं है, मैं